तो जब भी आप मार्केट में गिटार को खरीदने जाते हो तो 1500 का गिटार भी आता है और एक लाख का गिटार भी आता है। तो एक बार बेसिकला क्लासेस में समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस होता है तो होता किस चीज का है। जैसे आपने सुना होगा, गिटार सबने देखा होगा, एक 5000 का गिटार भी आता है, 10000 का गिटार भी आता है, 1 लाख का गिटार भी आता है। तीनों सेम चीज कर रहे हैं, तीनों में सेम ही नोट बज रहे हैं, बट तीनों अलग साउंड क्यों करते हैं? क्योंकि तीनों में अलग बॉडी यूज हुई है, अलग तरीके से वुड कटी है। जिसने वुड काटी है, उसने क्राफ्ट करा है, उसने अच्छे तरीके से करा है कि नहीं करा, उसकी वुड की क्वालिटी कौन सी है, स्ट्रिंग की क्वालिटी कौन सी है। चाहे वो सेम नोट बजा रहे हैं लेकिन हमें अलग अलग हल्का हल्का अलग सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेव शेप चेंज आती है, क्योंकि वो जिस तरीके से वुड में टकराएगा। तो आपने सुना होगा रोज वुड आती है, ऐसे बहुत टाइप टाइप की वुड्स आती हैं, तो हर एक वुड अलग तरीके से वाइब्रेट करेगी हल्का सा, उससे उसकी टोन चेंज होगी।